Hello and Assalamu Alaikum. I'm your host Serum, back with another video of a review. It's Body Shop's Drop of Light. As you can see, it's Drop of Light ka serum hai, aur it is for pure healthy brightening serum hai, jo ki aapki skin ko bright karta hai. Why I bought this, actually mera complexion fair hai, but you know, sometimes when you are doing job or you are going out, aapka complexion thoda sa darker shade pe chala jata hai. So kyunki aapki face ki and haathon ki skin jo hoti hai wo bahut prominent hoti hai towards sun, to wo yota thoda dark ho jata hai. To mujhe kisi ne ye recommend kiya tha. This is my second bottle which I am using. It's been like 2 years I'm using this, और ये तकरीबन एक bottle तो बीच में मैंने छोड़ दिया था, एक bottle 6-7 months बड़े आराम से चल जाती है. तो this is drop of light, और जहाँ तक मैंने इसे use किया है, you know, अगर मुझे कोई चीज़ एक दफ़ा अच्छी ना लगे तो I will never go for it for the second time, but it is such a nice product. Such a nice product कि मैं आपको बता नहीं सकती. It's so nice. आपको tan थोड़ी सी जो complexion होता है उसको normal करता है और थोड़े normal skin को थोड़ा fairer कर की तरफ लेकर आता है. इसका एक day cream भी थी, actually वो मेरी ख़त्म हो गई है. उसका भी बहुत अच्छा है result, मैंने वो use की है. I used to use this one. पहले skin prepare करने के लिए मैं drop of light का serum use करती थी और उसके ऊपर मैं इसकी day cream लगाती थी. अब वो क्रीम क्योंकि मेरे पास है नहीं, मैं उसकी अगर पिक्चर थी या लिंक था मैं आपको भिजवा दूंगी, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. बट दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर लाइटनिंग स्किन, जो काफ़ी लोगों का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा टैन होता है. तो टैन इन अ सेंस कि ये थोड़ा स्किन को लाइट करती है. आप ये मत सोचिएगा कि आज आप लगाएंगे तो 4 दिन के बाद आप बिल्कुल गोरी हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता. ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता. एक नेचुरल स्किन होती है, हाँ उसको इवन कर देता है, उसकी कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा बेहतरी की तरफ लेकर आता है. जैसे मैं आई वॉज़ अ वर्किंग वुमेन एंड आई एम गोइंग आउटसाइड एंड मेरे स्किन पे, क्योंकि यू नो सनलाइट होती है और आपकी स्किन पे वो अफेक्ट करती है, आपके हाथों पे, फेस पे, तो उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए दिस प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट वन. अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको बताती हूँ. इट्स जस्ट लाइक वाटर. आप इसको अगर यूज़ करेंगे, इट्स लाइक वाटर एंड थोड़ा सा ऐसे थिक सा होता है, और जब आप अपने इसको पूरे हाथ पर लगाएंगी तो ये आपको बहुत अच्छा सा ऐसा वेलवेटी सा आपको फील होगा. और इसका फ्रेग्रेंस इज़ वेरी गुड. यू नो बॉडी शॉप के सारे प्रोडक्ट्स का फ्रेग्रेंस पे उनका नो कॉम्प्रोमाइज़ है. आई रियली लव द फ्रेग्रेंसेस. एंड जो मेरे पुराने रिव्यूज़ आपने देखे होंगे, जहाँ फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं होती, चाहे प्रोडक्ट अच्छी भी हो, I literally don't like to use those products. क्योंकि आपके फेस पे अगर आपने ऐसी चीज़ें लगानी होती है तो फिर आपको वहम भी हो रहा होता है कि आप ख़रीद भी रहे हो, एक्सपेंसिव भी हैं. ऑब्वियसली अब ये प्रोडक्ट है, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट्स 3-4 thousand या 4-4500 या 35 से 4500 के बीच में है. और कोशिश करें कि अगर आप सेल में लें, क्योंकि सेल में इन पे 30% 25% ऑफ हो जाते हैं, तो आपको बड़े आराम से, अगर ये 4000 की तो आपको 3000 में मिल जाएगी. तो कोशिश किया करें कि इस तरह की बॉडी शॉप की सेल्स पे ज़रूर जाया करें एंड बाय थिंग्स ऑन सेल. सो इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है. आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्शन इवन ज़रूर हो जाएगा, यानी कि वो जो पैची स्किन होती है थोड़ी बेहतर हो जाती है. बट मिरेकल्स की तवक्को ना रखें कि आप ये लेंगे और आप 5 दिन के अंदर या महीने 2 महीने के अंदर गोरी चिट्टी स्नो वाइट बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता. सो प्लीज़ आप इतनी तवक्कात ना रखें. लेकिन द थिंग इज़, एज़ कम्पेयर टू जो से आजकल ये फाइजा ब्यूटी क्रीम और पता नहीं कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबल है, प्लीज़ डोंट गो फॉर इट. देखें, एक तो ये ब्रांड्स इतने अच्छे नहीं होते, एंड प्लीज़ अब स्किन पे आई फील नोबडी शुड कॉम्प्रोमाइज़. अगर आपने स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट लेनी है ना, तो ऑलवेज़ गो फॉर अ गुड ब्रांड. ये जो 5 क्रीमें ऐड करके मिला के मुंह पे लगाना और पता नहीं स्टिलमेंट्स और पता नहीं क्या क्या, मैंने बहुत से लोगों को सुना है. सॉरी, मैं बिल्कुल कभी भी नहीं गई स्किन पे, मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, स्पेशली फेस पे. तो वो ये होता है कि आप अच्छी प्रोडक्ट लें, भले थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो, ना कि आप फाइजा ब्यूटी क्रीम लें और कोई पता नहीं 200-300 रुपये की होगी, वो मुझे तो नहीं पता कि कितनी की, बट वो आप लेंगे, उसमें देखिए ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को थोड़ा लाइट तो कर देते हैं, लेकिन वो फिर आपकी अंदर इनर स्किन को डैमेज करते हैं.
सो गो फॉर ऑलवेज अ गुड प्रोडक्ट विच आई बिलीव. और मैं स्किन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और मैं सीरियसली नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स भी स्किन पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, स्पेशली फेस स्किन पे. सो दिस इज़ अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, यू शुड गो फॉर इट एंड इट्स अ गुड ब्रांड एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट. द फ्रेगरेंस इज़ गुड एंड द टेक्स्चर इज़ गुड एंड रिजल्ट आर ऑल्सो वेरी गुड. लाइक करें मेरे सॉरी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड कॉमेंट करें. आई पर्सनली आपको मैं आंसर करती हूँ. और ये है कि प्लीज़ अगर हेट स्पीच होती है तो प्लीज़ अवॉइड दैट, बिकॉज नोबडी इज़ हेयर टू हेट ईच अदर. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला. आई विल बी बैक विद अनदर रिव्यू. आप मुझे एक आई जस्ट हैव आई वॉन्ट टू आस्क यू कि अगर आपको कोई चीज़ की क्या रिव्यू चाहिए होता है, प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे ज़रा मेंशन कर दें. सो इफ़ आई हैव दैट थिंग आई विल गिव अ रिव्यू, और अगर नहीं थी तो आई विल बाय इट फॉर यू. सो एंड यूज़ इट एंड देन गिव यू अ रिव्यू. सो माय ऑनेस्ट रिव्यूज़ आर ऑलवेज फॉर यू ऑल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़.